उत्तराखंड के रुड़की में जहाँ एक तरफ शहर के बाजारों में अतिक्रमण के कारण लोगों को जाम की दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है, तो वहीं वाहन चालकों का भी बुरा हाल है, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। जिसको देखते हुए तहसील प्रशासन और नगर निगम की टीम ने संयुक्त रूप से मिलकर बाजारों से अतिक्रमण हटवाया, साथ ही साथ अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि रुड़की शहर में लगातार जाम की समस्या बनी हुई है, जिस कारण शहर भर में बढ़ता अतिक्रमण, बाजारों में दुकानदारों द्वारा अपना सामान निर्धारित जगह से काफी आगे बढ़ाकर रखा जाता है, रेडी चालक भी सड़कों के बीच में रेडियां लगा लेते हैं, जिससे वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, फिर आगिरों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके चलते तहसील प्रशासन और नगर निगम रुड़की की टीम ने दुकानदारों द्वारा निर्धारित जगह से आगे रखा सामान अंदर कराया और अतिक्रमण करने वालों पर कड़े शब्दों में कार्रवाई की चेतावनी दी। टाइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से अली जैदी की रिपोर्ट। ये हमारे जो पुलिस प्रशासन नगर निगम द्वारा रुड़की शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु एक ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आज जो है पुलिस प्रशासन नगर निगम द्वारा पीटीगंज मार्केट, मच्छी मोहल्ला मार्केट के का पूरा फ्लैग मार्च किया गया और व्यापारियों को ये चेतावनी दी गई कि आप जो है 3 दिवस के भीतर जो भी सरकारी नाली या उससे बाहर सड़क पर अस्थायी या अस्थायी जो भी अतिक्रमण किया गया है उसको स्वयं हटाएं। इसके लिए पुलिस और नगर निगम को के साथ वार्ता की जा रही है और उनके साथ ये तय किया जा रहा है कि यदि एक बार अतिक्रमण हटाने के उपरांत दोबारा वहाँ पे उस दुकानदार के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना या चालान की जो भी कार्रवाई है नियमानुसार वो की जाए।